में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो चुका है, गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। टेक न्यूज़ तो मिलते रहेगी, आपको बड़ा मजा आएगा। अभी आजकल देखा जाए तो बड़ी शांति है यूट्यूब के ऊपर। टेक से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स अनबॉक्सिंग हो चुके हैं ऑलरेडी, सेल चला गया है, तो उस वक्त बहुत मजा आ रहा था। अभी थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है, देखा जाए तो आप लोगों को भी बोरिंग हो रहा होगा, बट हम पूरी कोशिश करते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। थोड़ा स्माइल आपके चेहरे पर आ जाए तो उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। जैसे एक चीज आपको बतानी है कि आपसे कुछ दिनों तक, सिर्फ कुछ दिनों तक, 15 या 20 दिन तक मंडे टू मंडे टेक न्यूज आएगी, फ्राइडे नहीं आएगी, क्योंकि हम कुछ चीजों में बिजी है इसी हिसाब से। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बस मंडे से मंडे आपको थोड़े दिनों तक झेलना पड़ेगा, फिर मंडे फ्राइडे, और क्या पता हम मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ये तीन दिन टेक न्यूज शुरू करते हैं। उसके लिए बने ना, ये प्लान हमने अभी स्टार्ट किया है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। लाइक्स तो बहुत कम हो रही है, आपसे 20-25 हज़ार की लाइक्स की उम्मीद है। ऐसे फेंक दो, ऐसे उठाओ और लाइक ऐसे फेंको, बस इतना ही करना है आपको। सब्सक्राइब करिए जो लोग ने नहीं किया, और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जियो से। जियो ने इंडिया के अंदर अपने जियो फोन प्राइमा को लॉन्च कर दिया है। बेसिकली ये फीचर फोन है, 4G फोन है, काई ओएस इसमें चलता है, जिसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब का सपोर्ट है, 1800 एमएच की बैटरी, 0.3 मेगापिक्सल कैमरा, और भी काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। येलो कलर में एकदम देखने को मिल रहा है, और इसकी जो प्राइस है वो 2599। ये कहां पर लॉन्च किया गया था? IMC, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हम MWC की बातें करते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की, तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस की भी बात करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज शोकेस की जा रही है, जो बहुत प्राउड मोमेंट है कि इंडिया में इतने सारे इनोवेटर्स यहाँ पर बैठे हुए जो अपने अपनी टेक्नोलॉजी शो कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जियो ने भी अपना ये और भी एक और चीज किया, उसके बारे में आगे आपको न्यूज दे देंगे। कॉर्निंग वाले ने फाइनली जो बोला था अब वो करके दिखाएंगे। 2024 की शुरुआत में कॉर्निंग वाले, जो गोरिल्ला ग्लास की डिस्प्ले पर प्रोडक्शन होती है ना, वो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने भारत इनोवेटिव ग्लास के साथ इंडिया में पार्टनरशिप कर दिया है, और तमिलनाडु में या इधर तेलंगाना के अंदर अपने प्लांट्स लगाएंगे मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिया में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो वो मैन्युफैक्चर करेंगे। जो याद रहे, जो इंडिया के साथ साथ इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होगा, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में इतना हमें नहीं लगा था कि ये सारी कंपनीज भी इंडिया में आ जाएगी, स्मार्टफोन्स और दूसरी चीज़ों के अलावा, बट ये लोग भी इंडिया में आ रहे हैं और डेवलप करने की बात करें। तो इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, इंडिया कितना पॉपुलर है, और कितने लोगों को अभी जॉब्स भी मिलेगा, और कितना फ़ायदा हमें भी हो सकता है इससे डेफिनेटली, क्योंकि प्राइसेस थोड़ी शायद कम हो सकती है। एप्पल को छोड़ के ना सब रैम करते हैं, बाकी एप्पल वाला रैम नहीं करता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कॉर्निंग वाले कितना सक्सेसफुल होते हैं, और गोरिल्ला ग्लास कितने निकलते हैं और कितना बिकते हैं, ये तो आगे ही पता चलेगा। ग्लोबल शिपमेंट की अगर बात करते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीन महीनों में अगर इस साल में उठा लूं, तो बताया जाता है कि सैमसंग लीड करता है। सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स सैमसंग ने सोल्ड किया है ग्लोबली, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में। सेकंड पर आता है एप्पल, तीसरे पर है शाओमी, फिर ओप्पो और ट्रांशियन। ये सरप्राइजिंग है, जो इन्फिनिक्स टेक्नो वाले हैं ग्लोबली अपने स्मार्टफोन्स इतना सोल्ड कर रहे हैं, लोग इतना पसंद कर रहे भी इनको, कि नंबर 5 पर आ चुका है। इसमें रियलमी गायब हो चुका है, आप खुद यहां पर देख सकते हैं, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। लेकिन 0.1 या 0.2% की डिक्लाइन हुई अगर पिछले साल से कंपेयर करते हैं, और 302.8 मिलियन स्मार्टफोन्स शिफ्ट हुए, जो उसमें भी काफी बड़ी तादाद है। तो ये चीजें हुई। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी ब्रांड का फोन यूज करते हैं, और क्या आपका फोन इस लिस्ट में है? कमेंट में बाबू मुशायल जरूर बताना। OnePlus 12, OnePlus Ace 3, जो इधर शायद OnePlus 12R बन के आएगा, इनके टीजर यहां पर बाहर आ चुके हैं, मतलब ऑफिशियली ये टीज्ड हो चुके हैं चाइना के अंदर, और उसके बाद लगता है कि ये ग्लोबली और इंडिया में हमें बड़ी ही जल्दी मिलेंगे। ज्यादातर लीक्स ये बोल रही है कि नवंबर में ही OnePlus 12 सीरीज हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है डेफिनेटली, क्योंकि आईक्यू वाले तो अभी 6-7 नवंबर को पहले ही लेके आ रहे हैं, उसके बाद शायद इंडिया में आएगा, तो वैसे ही OnePlus वाले भी कर रहे हैं, लेकिन इनका तो ऑफिशियल टीजर भी बाहर आ गया। लेट्स सी कि OnePlus 12 कितना खास होता है। बोलते हैं कि भाई इसमें बहुत पावरफुल स्पेक्स हो गए, 3000 निट्स ब्राइटनेस। लेट्स सी, शाओमी वाले तो ऑलरेडी कर दिया है, OnePlus क्या करता है, ये तो हमें कुछ महीनों में, कुछ महीनों नहीं, नवंबर में पता चलेगा।
क्वालकॉम की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, इंडिया के अंदर वो 6G नेटवर्क के लिए एयरटेल और जियो के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है और बड़ी ही जल्दी वो प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही ग्लोबली 6G आ जाए तो इंडिया में भी 6G टेक्नोलॉजी आ जाए। तो इसके लिए क्वालकॉम जो है वो एयरटेल और जियो, सारा मेरे को एक अफसोस ये हो रहा है कि ये वोडाफोन वाले कर क्या रहे, 5G नेटवर्क मेरे पास अभी तक वोडाफोन का सिम कार्ड है 5G दिखता नहीं है, मेरी आंखें बूढ़ी हो गई है सोच सोच के कि 5G ससुरा कब देगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, जब इंडिया से बाहर जाता तो 5G दिख जाता है बट इंडिया में 5G नहीं, तो मुझे अभी पोर्ट करना पड़ेगा एयरटेल या जियो पर अपने, किस पे करूँ मेरे को पोर्ट कमेंट में बताना। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर एयरटेल पे पोर्ट करूँ या जियो पे पोर्ट करूँ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ज़्यादा वोट आएंगे तो उस पर पोर्ट करेंगे। WhatsApp की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि WhatsApp जो है वो अपने सपोर्ट को एंड्रॉइड वर्जन 4 या 4.4 किटकैट याद होगा आपको, तो उसके ऊपर जो वो अपने सपोर्ट को एंड कर रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि 0.7 या 0.6% लोग पूरे वर्ल्ड में एंड्रॉइड किटकैट पर है। अगर आपके पास है या जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर आपके पास गलती से है, मुझे नहीं लगता होगा, तो आप लोग को WhatsApp का कोई सपोर्ट अब नहीं मिलेगा। वैसे एंड्रॉइड 5 जो है लॉलीपॉप उस पर थोड़ा चल रहा है, उस पर भी बहुत ही जल्दी सपोर्ट एंड करने वाला है, तो बड़ी खबर है। अब देखते हैं कि WhatsApp वाले अब इसमें क्या बोलने का, जब सपोर्ट एंड कर रहा तो कर रहा, उससे हमें क्या करना है, हमें तो घंटे फर्क नहीं पड़ता है। जियो ने इंडिया में एयरटेल को मतलब देखकर और सोचकर मेरे को हंसी आ रहा है, एयरटेल वाला कोने में रो रहा है, लेकिन यहां पर जियो ने अपना स्पेस फाइबर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, ये उधर ही किया रहेगा IMC में, और मोदी जी गए थे मुकेश अंबानी के जो बेटे, उन्होंने उनको शोकेस करवाया कि देखो ऐसा ऐसा हमारी टेक्नोलॉजी है। और बहुत बड़ी बात है कि जियो ने सबसे पहले इंडिया में कर दिया, स्टारलिंक वाला अभी तक घूम रहा ऊपर, एयरटेल वाला कोने में भी मशीन खोल ही रहा था कि इतने में यहाँ पर जियो ने स्क्रू टाइट कर दिया, ले हमने कर दिया। तो जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट जो है वो शुरू हो चुका है, जो रिमोट एरियाज में डेफिनेटली काफी अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, और ये भारतीय है भाई, इंडियन है, तो अच्छी बात है कि हमें सबसे पहले देखने को मिल गया। लगता ही था मेरे को कि वाले सबसे पहले करे, हर चीज यही करते। अब स्टारलिंक को आने देगा नहीं देगा, एयरटेल को आने देगा नहीं देगा, ये जियो पे डिपेंड करता है। आगे की बात है, इंडिया के अंदर भाई कॉल फॉरवर्डिंग का स्कैम चल रहा है। भाइयों बहनों बचो, बहुत ही खतरनाक स्कैम है। आपको कॉल आता है और वो आपको पर्टिकुलर बैंक या इधर उधर के रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, तो आपको लगता है ठीक है, फिर वो आपको *401* डायल करने बोलते हैं और उससे आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो जाता है, विद इन कॉल उससे आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, आपके कॉल फॉरवर्डिंग से उसमें क्या होता है कि OTP भी उधर आएगा, कॉलिंग उधर आएगी, सब कुछ फॉरवर्ड हो गया ना तो उधर जाएगा, फिर आपके बैंक के डिटेल्स, वॉइस OTP ये वो सब निकाल कर आपके पैसे कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक हो रही है। तो कॉल फॉरवर्डिंग का स्कैम, अगर आपको कोई भी आता और बोलता है कि भाई ये नंबर डायल करो, भाई हाथ जोड़ते हैं, उसको बोलना कि तू तेरा नंबर डायल कर ले, मेरे को छोड़ दे, मैं अपना डायल कर लेगा, इस तरीके से अपना आधार कार्ड के स्कैम चल रहे कि आधार कार्ड के ऊपर भी लॉक कर दीजिए प्रोफाइल, वरना आधार कार्ड के ऊपर भी बहुत स्कैम हो रहे। भाई किधर किधर कहाँ कहाँ स्कैम हो रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलते चलते मालूम पड़ा ये भी स्कैमर निकला, वो भी स्कैमर निकला, किस किस से बचेंगे। बट इसके लिए आपको बचना जो मैंने आपको बताया। क्वालकॉम दोस्तों काफी बड़ी खबर यहां पर आ रही है, बताया जा रहा है कि वो चिप पैकेजिंग इंडिया के अंदर जो वो शुरू कर रहा है टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके और इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इनके साथ मिलकर वो चिप पैकेजिंग यानी कि जो साइड बाय साइड जो नॉर्मल चिपसेट्स होती है उनकी पैकेजिंग वो इंडिया में स्टार्ट कर रहा है। 2024 में शायद हमें सबसे पहले ये देखने को मिलेगा। तो क्वालकॉम वाले बहुत अच्छा और बड़ा काम कर रही है अगर देखा जाए इंडिया के अंदर, तो काफी खुशी की बात है कि टाटा वाले तो आईफोन तो बना रहे एक तरफ वो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ टाटा वाले क्वालकॉम के साथ मिलकर चिप पैकेजिंग भी यहां पर शुरू कर देंगे। अगर ये सब कुछ होता है टाटा वाले का बड़ा योगदान होगा और क्वालकॉम का भी काफी बड़ा योगदान होगा इंडिया में अगर देखा जाए तो। HMD ग्लोबल याद है ना दोस्तों, नोकिया के अब्बा हाँ नोकिया के अब्बा फिलहाल के लिए वही है, वो बताया जा रहा है कि नोकिया से तंग आ गया, नोकिया ने उसके नाक में दम कर दिया, तो उसने बोला कि मैं खुद अब अपना स्मार्टफोन बनाऊंगा और इंडिया के अंदर 2024 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करूंगा। इसमें जो है वो अलग अलग तरीके के आपको टैबलेट्स, फोन्स, इकोसिस्टम्स मतलब ईयरफोन्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे, पूरा के पूरा भंडार लेके आ रहा है इंडिया के अंदर 2024 में। तो एक नया कॉम्पिटिटर आ रहा है मार्केट में HMD, और देखते हैं कि HMD नोकिया के रास्ते पे चलता है या खुद के रास्ते पे चलता है और कौन किसके पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। मजा तो बहुत आ रहा है, ये तो हमें 2024 के शुरू में ही पता चलेगा।
डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा स्मार्टफोन टैबलेट स्टैंड चाहिए जो अलग अलग तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ दो दो फोन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्ट्रिफ का अवेलेबल है सिर्फ 80 रुपए का। अगर आप अमेजोन प्राइम मेंबर से तो 80 रुपए में आपको एक अच्छा सा स्टैंड मिल जाएगा, जो आजकल हमें अगर फोन हाथ में लेकर यूज नहीं करना तो हमने टेबल पर रख लिया और बैठकर आराम से मजे ले रहे। अगर इंटरेस्ट रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, अभी तो GST वगैरह तो सब कुछ लगेगा, उनको 28% देना पड़ेगा, ने बहुत सारे वाट लगने वाली सबकी, लेकिन उसके पहले ही 1,00,000 करोड़ का टैक्स इवेड, ये सीन बाहर निकल कर आया कि ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है इतना कल्टी मार रही है। अगर टैक्स की बात आती है 1,00,000 करोड़, तो जितनी भी जो गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में बैठी हुई है, जैसे कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री का लफड़ा निकल कर आया था ना कि कितने 1,000 करोड़ का टैक्स इवेड किए, इन्होंने तो 1,00,000 करोड़ का कर दिया जिसकी कोई हद नहीं है। और इनके पीछे भी गवर्नमेंट लग चुकी है, पता नहीं अभी इनके साथ भी यहाँ पर क्या होगा और कौन किसको कितना परेशान करेगा और हमें कितना परेशानी होगी इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री थोड़ी ट्रबल में है अब इंडिया के अंदर, ये भी हो रहा है, 28% GST भी लग रहा है और ये सब कुछ बोल रहे कि अब जल्दी लागू हो जाएगा, अब जब होगा तो होगा। क्या आपको बताया दोस्तों, गूगल ऐसा बताया जाता है कि हर साल एप्पल को हर साल $18 बिलियन देता है, मतलब 1.5 लाख करोड़ सिर्फ अपने सफारी में और अपने ब्राउजर के अंदर गूगल सर्च का इस्तेमाल करने के लिए। मतलब अगर आप सफारी ओपन करते हैं तो गूगल सर्च आता है ना, उसके लिए गूगल एप्पल को इतना पैसा देता है। तो सोचो गूगल उसके जरिए कितना पैसा कमाता होगा, वो सोचते रहिए। आज की टेक न्यूज़ ये खत्म होती है, मैं करता हूं आपको आज के लिए पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।